हेलो गाइस, नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। चलो चलो। क्या हो रहा है आज? मामा की शादी हो रही है। चलो फिर। चलो अभी हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है और हम लोग ना उसी के लिए तैयार हो रहे हैं। और मैं भी तो तैयार हूँ अभी। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का जल जल उठा हूँ मैं, शोला जो प्यार का भड़का। राशि तो तैयार हो रही है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अब तैयार हो जाऊँ। और रुदुना भी नाश्ता कर रहा है। रुदुना भी नाश्ता कर रहा है। अभी हल्दी हो रही है और हल्दी में 5 कन्याएं हैं और देवांशी उनमें से एक है। तो देवांशी तैयार हो? रेडी। अभी मेरे मामा के लिए हल्दी फूट है। हाँ। और क्या होगा फिर? I don't know। लड्डू खाएंगे फिर। वो तो मामा खाएगा। वो मैं भी तो खाऊंगा। अभी ना हम लोगों ने हल्दी कूट दी है। ओ ये देखो। चलो चलो चलो। पैंट पैंट फटने नहीं चाहिए। मेरी नानी और मेरे नाना हल्दी लगा रहे। किसको? मामा को। अभी मेरे पापा भी ना मामू को हल्दी लगाएंगे। कब? I don't know। जीजाजी हमारा। तू भी लगा दे भाई। मैं लगा दूँगा। भैया मेरा साला आ गई। यहाँ देखो, जीजा और साले ने एक दूसरे के साथ मजाक किया हल्दी लगाने का, और एक एक गाल पीला और एक सफेद हो रखा है। दोस्तों मामा यहाँ पर लंगा हो गया। मामा आपका लंबा हो गया। मामा आपका लंबा हो गया है। तंदूर सफेद है। दोस्तों मेरे लिए ना दाल भात आ चुका है यहाँ पर। ये गांव के बच्चे लेके आए हैं। लेकिन ये दाल कैसे लाए भाई? बच्चों हम लोगों का खाना पीना हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे चिकन नहीं खाया होगा। हाँ चिकन नहीं खाया हमने। रात को खाएंगे ना? तो वो लग रही है डायन। कोई बात नहीं, डायन हो तो सुंदर डायन हो। ये मैंने दोस्तों में सुंदर वाली डायन है। मेरी कब देने डालना मैं भी। रक्षा से शादी हो रही है। तुम्हें इतना हैंडसम होने का कोई हक नहीं है, ठीक है? दोस्तों अचानक से बारिश हो गई है। दूल्हा और दुल्हन तो भीगेंगे ही, हम कोई भिगा रहे हैं यार। क्या होगा तुम्हारे मेकअप का? कुछ नहीं होगा, हमने मेकअप फिक्सर ला रखा है। अच्छा वाटर प्रूफ हो भी। यहाँ पर वाटर प्रूफ नहीं, यहाँ पर बाढ़ प्रूफ चाहिए। बाढ़ प्रूफ भी हो जाएगा, डबल मार देंगे। मेरे मम्मी पापा भी अभी शादी में आ रहे हैं, अभी रास्ते में होंगे। मतलब रुद्रांश और देवांशी के दादा दादी कब आएंगे? आने वाले। दादा से गले मिलो। ये कौन है भाई? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है तू? घर की याद तो नहीं आई?
आई थी। कितनी आई? मम्मी पापा भी आ चुके हैं मेरे, और दोस्तों दोनों समधन की मुलाकात। राशि कैसे लग रहा है? बढ़िया। गले मिलो। कैसे लग रहा है? अच्छा। हेलो गाइस, मेरे दादा दादी आ गए, चाय पी रहे। चाय पी रहे। मेरी नई ड्रेस करारा। राशि की नई ड्रेस, क्या बात है, बहुत ही अच्छी लग रही है। दोस्तों आपने कॉकटेल पार्टी तो देख ली है, अभी यहाँ पर इवनिंग स्नैक हो रहा है। स्नैक्स? स्नैक्स क्या है? स्नैक्स में, स्नैक्स में गोलगप्पे, पकौड़ी, चटनी और गोलगप्पे भी। हाँ चले, चलो ले बेटा, ये देखो तुम खा लो। अबो खिला। देवांशी डांस कर रही है। हेलो हेलो, मम्मी तुम भी करो। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कहाँ गए तू पहले ये बता। क्या हुआ? रन दिया किलो रन दिया। मुझे हाथ क्यों लगाया? सबको कर रहे थे। तूने हाथ क्यों लगाया? आयुष भी था सामने। हाँ लगाया। मैं कुत्ता है सामने। पता? आज तूने मुझे ही लगाया, कल किसी और लड़की को लगा देगा तब। नहीं क्या? नहीं है। कहाँ था? इतना छोटा है तू। माफ करने की बात नहीं है, ठीक है? रोज मारूंगा। दोस्तों कल ना राशि के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत ही शर्मनाक था, और बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा होता है शादियों में। राशि आपको बताएगी क्या हुआ था। कल रात को हम लोग डीजे में डांस कर रहे थे, लड़के अलग और लड़के अलग। वहाँ पे ना एक लड़का आया अचानक से, उसने ना मुझे बहुत गलत तरीके से टच किया, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, अनकम्फर्टेबल फील हुआ, और मुझे ना बहुत गुस्सा आया। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और उस लड़के को ना दो चार चांटे लगाए बहुत तेजी से। सबको लगा कि नॉर्मल है, क्योंकि डीजे का जो वॉल्यूम था ना वो बहुत तेज था। मैंने सबको जोर चिल्ला के बोला कि मतलब ये किसके साथ आ रखा है। फिर डीजे भी बंद हो गया था और मेरे चाचा लोग आ गए थे वहां पर कि क्या हुआ, चुप हो जाओ, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, और उस लड़के को भी समझा रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि मतलब मुझे लगा ये नॉर्मल नहीं है, ये इंसिडेंट ना किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, है ना। तो अगर मैं कुछ नहीं बोलती वहाँ पे तो सबको ना वो ऐसा हो जाता है कि मतलब कुछ नहीं बोलती लड़कियाँ, और ज्यादा करते हैं दूसरे इस तरीके के लड़कों को ना, ये मतलब आजादी मिल जाती कि हम तो ऐसे कर भी देंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। मैं उस वक्त ना देवांशी के साथ था, जब मैं आया जहाँ पर डीजे बज रहा था, मैंने देखा राशि बहुत जोर से गुस्सा हो रही है, जोर से चिल्ला रही है किसी पे, और मुझे पता चला जब इंसिडेंट, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया, और लोग ना राशि को रोक रहे थे। मैंने सबको बोला कि इसको मत रोको, इसको लड़ने दो अपने लिए, और सबक सिखाने दो उस लड़के को। फिर सभी जो भी गाँव के हमारे चाचा थे, भाई थे, उन सब ने उस लड़के को सबक सिखाया, और ऐसा सबक सिखाया कि नेक्स्ट टाइम से किसी भी शादी में जाएगा ना तो 10 बार सोचेगा ऐसा करने से पहले। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ना ये पहाड़ों में या कहीं भी शादियों में कुछ ऐसे लड़के घुस जाते हैं जिनको बुलाया भी नहीं होता, ये उन्हीं में से एक था, और वहाँ पर ये लोग गलत हरकत करते हैं, स्पेशली लड़कियों के साथ ही गलत हरकत करते हैं। इनको लगता है कि हम मजाक मस्ती करेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सब मजाक कर रहे होते हैं। बट जिसके साथ ये होता है ना उसको पता चलता है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया वहाँ पर, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, और सब ने मुझे वहाँ पे समझा, क्योंकि मैं गलत नहीं थी। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी को अपनी बेटियों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत छोटी बच्चियों के साथ भी हादसे हो जाते हैं, हो रहे हैं। हाँ, हो भी रहे हैं और हो भी जाते हैं। प्लीज़ अपने बच्चों के साथ कुछ समय बैठिए, उनसे बात करिए कि अगर आपके साथ इस तरीके का कोई व्यवहार करता है, गलत तरीके से टच करता है, गलत तरीके से बात करता है, तो उसको जवाब देना है और आपको बताना है, है ना, कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कई जो लोग हैं, स्पेशली जो ये बिगड़े लड़के होते हैं ना, ये इस बात का फायदा उठाते हैं छोटे बच्चों के साथ कि वो तो कुछ नहीं बोलेंगे घर पे, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को वक्त देंगे, उनको समझाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, है ना, तो आपके बच्चे जो हैं वो कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, और सही से मुंह तोड़ जवाब देंगे,
ऐसे लोगों का, और उनको पता चल जाएगी कि कौन मुझे कैसा टच कर रहा है। हाँ। मैं ये चाहती हूँ कि सबको अपनी अपनी बेटियों को ये बताना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है छोटी ही उम्र में, ताकि उन्हें पता चले कि जो उनके साथ हो रहा है वो अच्छा है उनके लिए या बुरा है ना। हाँ बिल्कुल, कुछ लड़कों को लगता है कि हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी टच कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ना, लेकिन ये बहुत गलत बात है। उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि उनके घर में भी सिस्टर्स होंगी, मम्मी होंगी, है ना, उनको उनकी इज्जत करनी चाहिए पहले, फिर ही वो, फिर तभी वो अपनी मतलब तभी वो दूसरी लड़की की इज्जत भी करेंगे। बिल्कुल, ऐसे लोग अपने घर पे भी किसी की इज्जत नहीं करते। बिल्कुल, थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और हमारी दिल की बात आप लोगों तक पहुंची होगी। सो मिलते हैं आपको फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ये लोग लेट भी हो रहे हैं क्योंकि इनको तैयार होना है। तैयार नहीं होना मुझे ना, मैं जज मती बनी हो। अबे जा, अबे जा, जा मुझे क्या चीज बुद्ध पता नहीं, मम्मी कहते खाती मम्मी।